नमस्कार दोस्तों, मैं भाषा और आज न्यूज क्लिक की टीम के साथ मैं आपका परिचय कराऊंगी गुजरात की एक ऐसी विधानसभा क्षेत्र से जो बहुत दिलचस्प है अलग अलग वजहों से। आइए थोड़ा सा बताते हैं व्यारा विधानसभा के बारे में। व्यारा एक छोटी विधानसभा है जिसमें 2,20,000 मतदाता हैं और इन मतदाताओं में बड़ी संख्या आदिवासी समाज की है, उसमें ईसाई समाज भी ज़्यादा है, 20% ईसाई माने जाते हैं यहाँ पर, जिनमें अधिकांश गामित, चौधरी, कोंकणी आदिवासी समूह से आते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आम आदमी पार्टी के भी उम्मीदवार हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार यहाँ पर हैं ही और भाजपा के उम्मीदवार हैं, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि जिस पूरे गुजरात में हिंदू मुसलमान या नफरत की बात चल रही है वहाँ पर व्यारा विधानसभा कैसे इससे अछूती रह जाती है, क्योंकि यह पूरा इलाका जो आदिवासी इलाका है यह लंबे समय से अलग ढंग से प्रयोग स्थली बना हुआ है। इसके आगे पड़ता है डांग। हम सब जानते हैं कि डांग में आदिवासियों को वापस हिंदू फोल्ड में लाने के लिए, वापस मैं कोट अनकोट कह रही हूँ क्योंकि भाजपा का एजेंडा है, उन्होंने किस तरह से वनवासी आश्रम किए और वहाँ पर बड़े पैमाने पर नफरत और हिंसा की कोशिश की, लेकिन वह कामयाब नहीं हो पाए। पिछले विधानसभा में जीती वहां से कांग्रेस थी, लेकिन बाद में भाजपा ने पूरा खेल खेला और वहां की 2 सीटें हासिल कर ली। इस बार जो सुखबुगाहट है वह बता रही है कि आदिवासी समाज में जो बड़ी परियोजनाओं के खिलाफ आंदोलन चल रहा है, खास तौर से जल को लेकर, यह पूरा इलाका पानी से अच्छे से भरा पूरा है और यहाँ पर जो परियोजना चल रही थी ताप परियोजना, जहाँ पर यहाँ से पानी ले जाकर कच्छ और सौराष्ट्र में ले जाने की बात थी, उसका कड़ा विरोध था। उस विरोध को देखते हुए भाजपा सरकार को चुनाव के मद्देनज़र उसे स्थगित करना पड़ा, लेकिन आदिवासी उसे भूले नहीं हैं। मैं वोट डालती हूँ कांग्रेस में, क्योंकि कांग्रेस सरकार गरीबों के लिए अच्छी है, इसलिए हम कांग्रेस में वोट डालते हैं। महंगाई बढ़ गई, बेकारी बढ़ गई, महिलाओं को सुरक्षा नहीं है, इसलिए हमको कांग्रेस चाहिए। कांग्रेस चाहिए? आपके यहाँ के विधायक तो कांग्रेसी के ही विधायक हैं, चार बार से तो कांग्रेस के विधायक कांग्रेसी है। क्या नाम है गुजरात? पूनाजी भाई गामित। पूनाजी भाई गामित चार बार से? चार बार से यहाँ है। उनके होने से कुछ फायदा है? फायदा है, लेकिन गुजरात में, सारी गुजरात में भाजपा है। क्या मजबूरी लगती है कि भाजपा ने इस बार एक ईसाई आदिवासी को उतारा है, क्योंकि हर जगह तो वो बोलते हैं कि घर वापसी होनी चाहिए, ईसाइयों के खिलाफ भाजपा इतना अभियान चलाती है और यहाँ ग्यारह से उन्होंने एक ईसाई उम्मीदवार को उतारा है, क्यों? क्योंकि उनको डर है कि ईसाई उम्मीदवार उनके सामने उतारेंगे तो हम जीत जाएंगे। हमको जिस ईसाई परिवार जो लोग हैं, ये पादरी लोग जो है, ये सब हमको सामने से बोलते हैं जो कैंडिडेट बीजेपी का है उनकी नीति रीति जो अच्छी नहीं है तो उसको क्यों वोट दे, ऐसा हमको सामने से कहते हैं। इसलिए हमको लगता है कि इस टाइम पे भी मुझे ईसाई वोटर है और हिंदू है और अन्य जाति का लोग है, ये मेरे साथ है, मैं सर्व धर्म के मैं मानता हूँ। हमारी भारतीय जनता पार्टी जो है वो सामाजिक समरसता के आधार पर और विचारों पर काम करने वाली पार्टी है। ईसाई कैंडिडेट उतारा है ऐसा कुछ है नहीं। जो पार्टी का कार्यकर्ता संगठन में काम करता है और काम करते करते लोगों के बीच में एक चेहरा बनता है तो हम उनको टिकट देते हैं। लेकिन विरल जी, पूरे गुजरात में ही नहीं पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ईसाइयों को कह रही है कि आप घर वापसी करो, है ना, कन्वर्जन पे बात है, आप तमाम चीजों पे बहुत आगे चढ़ के बोलते हैं कि सारे ईसाई हिंदू हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि चार बार से एक ईसाई व्यक्ति जो है एमएलए हैं, आप हरा नहीं पा रहे थे इसलिए आपने ईसाई को उम्मीदवार बनाया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारा कैंडिडेट है, हमारा रिजर्व सीट है शेड्यूल ट्राइब का, तो ये जो शेड्यूल ट्राइब का सीट है और हमारा जो उम्मीदवार है वो भी शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करता है, लोगों में उनका काफ़ी अच्छा काम है, लोगों के साथ उनका जुड़ाव है, 27 साल से पार्टी के युवा मोर्चा से लेकर पार्टी के संगठन प्रमुख रहे। हर बार एक ही सवाल आता है, गरीबी
और कोई बेरोजगारी इस बार है, कोई नेता बोलता नहीं दिख रहा अभी तो। अभी सब हिंदू मुसलमान हो रहे हैं? नहीं, हिंदू मुसलमान ऐसे हमारे ट्राइबल एरिया में कुछ ऐसा है ही नहीं, सब एक साथ जैसे रहते हैं। लेकिन वो बीच बीच में कोई बार हो जाता है, वो फंक्शन के लिए कुछ अलग फंक्शन रखेगा, वो फंक्शन के बीच में कुछ हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा नहीं होता। पूरे गुजरात में जो 5-6 कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी है जहाँ पे बीजेपी आज तक सफल नहीं हुई, उनमें से एक ये व्यारा है। ओरिजिनली व्यारा पहले के ज़माने में ऐसा जाना जाता था कि कांग्रेस की राजनीति व्यारा से चलती थी, क्योंकि यहाँ से लेट जीना भाई दर्जी करके लीडर थे, एक्स सीएम लेट श्री अमर सिंह चौधरी थे, तो एक सेंटर ऐसा था पूरे गुजरात में व्यारा। और ज़्यादातर लोग पहले से, हमारी कंस्टिट्यूंसी ऐसी है कि हमारे आदिवासी लोग ये कांग्रेस को मानते ही हैं, तो उसमें ज़्यादा कोई ऐसा है नहीं। ये उनको 2004 बाई इलेक्शन से लगातार मुनाजी भाई जीतते आ रहे हैं, और कोई भी पार्टी हो उनका ये रहता है कि विनिंग कैंडिडेट को ही प्रीफर किया जाए, तो हिसाब से उनको सिटिंग एमएलए को टिकट दे दिया है, और उसमें कोई दो राय नहीं, वो हम जीतने वाले हैं, 100% जीतेंगे। मतलब आपका मानना है कि कांग्रेस जीत रही है? 100% जीत रही है। यहाँ पे जो शिक्षण का है और बेरोजगार है वही मुद्दा है हमारे आदिवासी पट्टी में, दूसरा तो कुछ नहीं। रास्ते खराब है, अभी स्कूलों देखो तो स्कूलें भी खराब है, पानी का जो मुद्दा है वही भी है हमारे गाँव में। अभी तो मिल रहा है पानी, लेकिन जब गर्मी का मौसम आएगा तो पानी नहीं मिलता, 1-2 किलोमीटर आगे जाना पड़ता है, पानी की मेन समस्या है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम निरंजना बेन एस चौधरी है। अच्छा, अभी यही गांव में रहते हैं? हाँ, मैं अभी यही गांव में रहती हूँ। अच्छा, क्या आपको लगता है महिलाओं के बीच महंगाई कोई मुद्दा है? महिलाओं को नहीं, पर सबके लिए महंगाई बढ़ गई है। और जिनको 200 रुपया जो तनख्वाह मिलता है उसको खेती काम करने के लिए, उसमें से तो बच्चों के लिए स्कूल जाता है तो उसको टिफिन भी करना था, साग भाजी का भी भाव बहुत बढ़ गया है, अभी थोड़ा ओछा है, तो इतने रुपये में कैसा गुजरन कैसा चल सकता है? तो महंगाई तो बहुत बढ़ चुकी है। अब 1100 रुपये का सिलेंडर है तो हर महीने हम 1100 रुपया तो सिलेंडर ले नहीं सकते, तो उनका चूल्हा पर भी बर्तन उसका झाड़ का भी काप करके भी ऐसा करना पड़ता है, वापस चूल्हा जलाना, हाँ चूल्हा जलाना पड़ता है, इसलिए ऐसा है। इसलिए उसका जो बहनों को अपने पर सभी आखा परिवार पर भी इतनी असर पड़ती है। लेकिन आपको क्या लगा पार्टी में, क्योंकि आप तो यहाँ के रहने वाले हैं, कि अगर ईसाई उम्मीदवार नहीं देते तो काट नहीं पाते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ईसाई या हिंदू ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने के कार्यकर्ता को टिकट मिला है। कार्यकर्ता तो बहुत और भी है ना, इससे पहले भी तो रहे हैं, इससे पहले भी पहले तो कभी नहीं दिया। आज तक पूरे गुजरात में कोई भी ईसाई कैंडिडेट को तो आपने चुनाव नहीं दिया है, पहली बार हुआ है कि ईसाई कैंडिडेट आपका कैंडिडेट बना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारे मोहन भाई है वो कभी भी, मैं ईसाई हूँ या मैं रिलीजियस, हकीकत तो है कि वो ईसाई है ना, वो तो वापस हिंदू नहीं बने। नहीं नहीं, वो मंदिर में भी जाते हैं, हम लोगों के साथ भी बैठे हैं, ऐसा उन्हें कुछ दिखता नहीं। हमारे संत शिरोमण कोई भी आ जाए तो वो उनको भी चरण स्पर्श करते हैं, उनकी बात को भी, उनके प्रवचनों को भी अच्छी तरह से सुनते हैं। हमारे यहाँ तो तापी डिस्ट्रिक्ट में तो आज तक का रिकॉर्ड है कि कांग्रेस ने ही हमारा झंडा लगाया हुआ है आज तक, और ये 3 सीटें आप समझ लो, 4 सीटें मैं तो बोल रहा हूँ कि निजर, व्यारा, मांडवी और महुआ, ये चारों सीटों हम जीत रहे हैं। आज भी जीतेंगे इस बार, 3 तो है ही हमारी, ये महुआ हम इस बार एक और जीतेंगे। लेकिन ये बताइए कि घर वापसी आपने अपने उम्मीदवार की क्यों नहीं कराई? भाई उन्होंने अपने एफिडेविट में, अपना जो भरा है पर्चा, उसमें अपना रिलीजन क्रिश्चियनिटी दिया है, जबकि आप पूरे देश में कहते हैं कि भाई ईसाइयों को वापस हिंदू बन जाना चाहिए, तो अपने कैंडिडेट पर आपने हिंदू क्यों लिखा? मोहन भाई हिंदू है इसीलिए तो उन्होंने एफिडेविट में हिंदू लिखा है। ये तो कांग्रेस को अभी डर लग रहा है कि हम नहीं जीत, अभी हम खोलते हैं उनका एफिडेविट है मेरे पास, हाँ वो उसमें हिंदू नहीं लिखा है, ईसाई लिखा, क्रिश्चियनिटी हिंदू ही लिखा है, रिलीजन क्रिश्चियन है, रिलीजन क्रिश्चियन है, हिंदू लिखा है। चलिए ठीक,
ओके, यहाँ पर नौकरी का क्या हिसाब है? आपके घर में कितने लोगों को नौकरी मिली है? नौकरी वाला है नहीं घर में, नौकरी वाला नहीं है घर में, यहाँ नौकरी मिलती नहीं। मिलती है जी? नौकरी मिलती नहीं, नौकरी रहती है यहाँ तो काम करे, मजदूरी करे, छुकरा हो धंधा पर जाए, धंधा करे। यहाँ पे वियारा में तो कांग्रेस ही आता है और निजर में अभी 50-50 बोल रहे हैं लोग। अच्छा, अभी ज्यादातर फायदा भाजपा को होगा निजर में, क्योंकि जो कांग्रेस में थे, जो पहले वोटिंग कांग्रेस में करते थे, वो अभी आम आदमी पार्टी को करेंगे, तो ज्यादातर अभी भाजपा को फायदा होगा। अच्छा, निजर में? निजर में वो मेहनत करेगा, नहीं भी करेगा ना, फिर भी वो भाजपा को ही फायदा होगा। यहाँ पे तो इतना साल से, 27 साल से मोदी जी का शासन है, बीजेपी का शासन है, तो कुछ नौकरी वोकरी मिली नहीं? नौकरी क्या मिली, नौकरी जब नौकरी का टाइम होता है तब एग्जाम देते हैं स्टूडेंट, फिर बाद में पेपर लीक हो जाते हैं, इसलिए नौकरी कैंसिल कितनी बार पेपर लीक हो गया है, बहुत बेकारी है यहाँ पे। देखिए लोग कहते हैं कि गुजरात में लोग नौकरी नहीं करना चाहते, लोग नौकरी करना चाहते हैं, लेकिन नौकरी कौन दे रहा है? नौकरी कहते हैं कि गुजरात में लोग बिजनेस करते हैं। ना, नौकरी चाहिए लेकिन कौन दे पा रहे हैं नौकरी? कोई नहीं देता। 11 में तो कांग्रेस आएगा, आदिवासियों के लिए अच्छा है, आदमी मेहनत भी है, अगर इसके पास एक बार गया तो वो आदमी आपका काम कर देंगे। अभी तक मुझे हराने के लिए मोदी साहब खुद 4 बार में 3 बार तो हेलीकॉप्टर लेकर आए, पहली बार थी, दूसरी बार फिर भी हम अच्छी तरह से वोटों से निकल गए, जीत जाते हैं। इस बार क्या लेकर आए? इस बार मोदी नहीं आया, अमित शाह आया था और अमित शाह भी आगे भी आया था और ऐसा बोल रहा है कि व्यारा की सीट हमको दे दो और हम चमका देंगे, सोने की नगरी बना देंगे, सोने की नगरी बना देंगे, ऐसा बोलता था। फिर भी वो हमारा जो वोटर है वो सोने की चिड़िया भी दे, सोने की नगरी भी बनाए, फिर भी उनका कोई। लेकिन आपको अपने मतदाताओं पे बहुत ज्यादा भरोसा है? मुझे बहुत भरोसा है। क्या खरीद बरीद नहीं होगी? नहीं नहीं, कोई खरीद बरीद नहीं है, हमारा मतदाता मोदी जी के पास इतना पैसा है, बहुत पैसा लेके अभी भी चल रहा है और आगे भी बहुत पैसा, करोड़ों रुपया हमारे सामने खर्चा था, फिर भी हमारा जो वोटर है वो ऐसा मक्कम है कि कोई दिन पैसा में मानते नहीं। जो जल जंगल की जो बात है, इसकी जो बात लेके मैं चलता है, जिसको कांग्रेस ने 2006 में जो जंगल में रहे थे उनको जमीन मिलनी चाहिए, ये मुद्दा है। हमारी जो सरकार बनेगी तो हम जरूर है, हमारा जो जंगल जमीन जो अभी कर रहे हैं फार्मर्स लोग है उनको जमीन दिलवाने में हम उनको वादा करते हैं। इस बार बीजेपी ने भी ईसाई उम्मीदवार, ईसाई आदिवासी दिया, कोई फर्क पड़ेगा उससे? ये जो नया उम्मीदवार है ना, वो कांग्रेस का उम्मीदवार है, वो बिना चुनाव लोगों के साथ मिलता है, चुनाव के बिना ही लोगों के साथ मिलेगा, ये फर्स्ट टाइम है, ये चुनाव के तौरान ही जाएगी, इसलिए लोगों नहीं माने बहुत महंगाई है, बहुत महंगाई है, ऊपर से जीएसटी का सभी, अभी महंगाई कम होगी तो जीएसटी पे बढ़ा देगा, और जीएसटी महंगाई में बढ़ जाएगी, सब एक ही हो जाता है। अभी कोई खेडूत है बैंगन पकाएगा, बैंगन जब मार्केट में लाएगा तो उसका 100 रुपये 30 केजी देगा, हमारे वो होलसेल में अभी वो छूटक बेचेगा तो 20 रुपये किलो बेचेगा, खेडूत को सबसे नुकसान हो रहा है, किसान को बहुत नुकसान है, यहाँ भी किसान को नुकसान है, यहाँ भी सभी सभी यहाँ से जिस भी बच्चे को पढ़ना होता है करीब 50 किलोमीटर जाना, कॉलेज के लिए व्यारा जाना पड़ता है, मतलब यहाँ से 25-30 किलोमीटर दूर है, इधर से वास्ता जाना पड़ता है, इधर से बारडोली वहाँ पर है साइंस कॉलेज, आर्ट्स कॉलेज तो हमारे बुहरी में है, पर साइंस कॉलेज तो वहाँ जाना पड़ता है। कुल मिला के आदिवासी बहुल इलाके में सीटों के हिसाब से देखिए तो भाजपा और कांग्रेस के बीच बराबर की लड़ाई रही है, लेकिन पिछले कुछ समय से
आदिवासियों का जो आंदोलन शुरू हुआ उस आंदोलन ने आदिवासियों को बड़े पैमाने पर कांग्रेस नेतृत्व की ओर धकेला है, या यूं कहिए कि सीधे सीधे जोड़ा है। और ख़ास तौर पर इसमें जो बहुत बड़े नेता के तौर पर सामने आए हैं उनका नाम है अनंत कुमार हसमुख भाई पटेल। वह एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने लंबे समय से जो परियोजनाएं चल रही हैं उनके खिलाफ न सिर्फ आंदोलन झेला बल्कि उन पर हमला हुआ। और इस समय इस पूरे इलाके में अगर एक नेता जो सर्वमान नेता आदिवासियों का है वह अनंत कुमार हैं। ऐसे में क्या सवाल है कि अनंत कुमार का जो पूरा असर है वह इस पट्टी में भी पड़ेगा, क्योंकि इस पूरी पट्टी को दूसरे ढंग की प्रयोग स्थली में उतारने की जो कोशिश भाजपा करती रही है वह अभी तक सफल नहीं हो पाई है। और इन चुनावों में जिस तरह का जोर भाजपा ने लगाया है, आम आदमी पार्टी के कई उम्मीदवार आदिवासी क्षेत्रों में अच्छा आकर्षण हासिल कर रहे हैं, उसमें विकास की पूरी परियोजनाओं पर जो सवाल है वह चुनाव में अपना जवाब ढूंढ रहा है।